हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब अते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक अते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण दे लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ते अज दी पहली वड्डी खबर है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड दे विच। फतेहाबाद होटल दे कमरा नंबर 207 दे विच रुके सी चारे आरोपी, इह सी पूरी प्लैनिंग। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच शामिल चारे मुलजम फतेहाबाद दे फोर लैन स्थित होटल दे कमरे नंबर 207 दे विच ठहरे हुए सन। मुलजमां ने पूरी प्लैनिंग दे नाल होटल दे विच इह कमरा बुक करवाया सी। दरअसल दे विच इस कमरे दे नाल ही होटल दी 7 तक जाण वालियां पौड़ियां बणियां होईयां हन। मुलजम इस फराक दे विच सी कि किते पुलिस दे आउण दी कोई सूचना मिली तां तुरंत पौड़ियां राही 7 तों फरार हो सकन। पुलिस इस मामले दे विच होर सुराग जटाउण दे विच लगी हुई है। 29 मई नूं पंजाब दे मानसा जिले दे विच सिद्धू मूसेवाले दी गोलियां मार के हत्या कर दित्ती गई सी ते इस कतल दे विच शामिल चारे मुलजम उसे रात करीब 12 बजे फतेहाबाद दे फोर लेन स्थित इस होटल दे विच पुज्जे सी। हुण इस मामले दे विच होटल संचालक नूं हिरासत विच लैण तों बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच दी टीम ने उस दे दो साथियों नूं भी पुछगिछ दे लई बुलाया गया। अगली खबर है पेट्रोल अते डीजल दीआं नवीआं कीमतां जारी, जाणो किन्ना वधिया जां घटिया रेट। तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि तेल मार्केटिंग कंपनियां ने अज भी पेट्रोल अते डीजल दीआं नवीआं कीमतां जारी कर दित्तीआं ने। अज कीमतां दे विच कोई बदलाव नहीं होया। अज दी गल करिए तां दिल्ली विच पेट्रोल दी कीमत 96 रुपए 72 पैसे जदकि डीजल दी कीमत 99 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर दे हिसाब नाल है। अगली खबर है पुलिस दे सामने पेश नहीं हुई नूरपुर शर्मा, सोमवार को एक्शन लेके मुंबई पुलिस करेगी फैसला। तो दोस्तों पैगंबर मुहम्मद के विरुद्ध कथित तौर पर इतराजयोग टिप्पणी करने के दोष में दर्ज किए गए केस के संबंध में मुअत्तल भाजपा की आगू नूपुर शर्मा शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पेश नहीं हुई। एक अधिकारी ने दसिया कि शर्मा के खिलाफ 28 मई को पाई धुनी पुलिस स्टेशन के FIR दर्ज की गई सी। पुलिस ने उसनू ईमेल के राही समन भी भेजे से, जिस तों इलावा एक टीम उसनू कापी देने दे लई भी दिल्ली गई सी। अधिकारियों ने कहा क्योंकि वह अपना बयान दर्ज करवाने दे लई नहीं आई, असी सोमवार को अगली कार्रवाई बारे फैसला करांगे। अगली खबर है पंजाब के IAS संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली ने खुद नू मारी गोली। तो दोस्तों तुहानू दसीए कि गिरफ़्तार हुए पंजाब के IAS संजय पोपली के बेटे वालों खुद नू गोली मार ली है। दस दईए कि विजिलेंस ने पिछले हफ्ते 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेंद्यां IAS संजय पोपली नू रंगे हत्थी काबू किया सी। अगली खबर है CM भगवंत मान का ऐलान, कहा कि इस सैशन के पेश किया जाएगा 1 MLA ते 1 पेंशन वाला बिल। तो दोस्तों पंजाब विधानसभा के बजट सैशन के दूजे दिन भी कार्रवाई जारी रही। अजिहे दे विच CM भगवंत मान ने राज्यपाल के भाषण से बोलन के लिए उठे कांग्रसी विधायकों ने हंगामा कर दिता। उन्होंने कहा कि हुण भ्रिष्टाचार करने वालों को बचाया नहीं जाएगा तो ना ही खोखले वादे किए जाएंगे। तो असी एक विधायक एक पेंशन कदम के नाल एक मिसाइल कायम की, इस सैशन के बिल भी पेश किया जाएगा। अगली खबर है अग्निपत को लेके हुए बवाल के 1562 गिरफ्तारियां, 82 मामले दर्ज। तो दोस्तों यूपी पुलिस ने अग्निपत मिलटरी भर्ती योजना लेके हुई हिंसा के संबंध में हुण तक 1562 लोगों गिरफ़्तार किया है। अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी कुल 82 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों के आधार पर हुण तक 498 मुलजमान गिरफ़्तार किया जा चुकया। इस अलावा IP 151 के तहत कुल 1064 लोगों गिरफ़्तार भी कर लिया। अजिही स्थिति दे विच केसां ते IP 151 नामजद गिरफ़्तारियां की कुल गिणती 1562 हो गई है। अगली खबर है पंजाब विजिलेंस ने IAS संजय पोपली के घरों की बड़ी रिकवरी, 12.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी के सने 3.5 लाख कैश भी बरामद। तो दोस्तों पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने IAS संजय पोपली के घरों 12.5 किलो सोना, 3.3 लाख रुपए का कैश, 3 किलो चांदी के सने बड़ी बरामद की है। पोपली ने पुलिस पार्टी के अगे चल के अपने निशानदेही से चंडीगढ़ के मकान नंबर 520 सैक्टर 11B एक स्टोर रूम के रखे ब्लैक बैग अंदर यह बरामदगी कार्रवाई है। विजिलेंस ने पोपली के कोलों 1 किलो के सोने दियां 9 इट्टां जिन्हों का वजन 9 किलो है, सोने के कुल 49 बिस्कुट जिन्हों का वजन 3160 ग्राम दसया गया, सोने के कुल 12 सिक्के जिन्हों का वजन 356 ग्राम, चांदी दियां 3 इट्टां जिन्हों का वजन 3 किलो, चांदी के 10-10 ग्राम के कुल 18 सिक्के जिन्हों का वजन 180 ग्राम,
एप्पल आईफोन 13 जिन्हां जो कि 4 मॉडल ते सैमसंग कंपनी दा जेड फोल्ड फोन अते सैमसंग दीआं 2 स्मार्ट वाचां 5-5 सौ दे कुल 700 भारतीय करंसी दे नोट दी रकम 3.5 लाख बरामद की है। अगली खबर है कीव दे विच रूसी मिजाइलां दे हमले फिर तेज, यूक्रेन ने रूस ते बैलारूस नूं युद्ध विच घसीटण दा लाया दोष। तां दोस्तों रूसी मिजाइलां ने यूक्रेन ते बंबां दी वरखा की है। यूक्रेन दे एक अधिकारी ने दस्सिया कि रूसी तोपखाने अते हवाई हमलिया नूं पूर्वी लुहानसेक खेतर लिसीचंक दे जुड़में शहरां विच रसायनक प्लांटां दे तबाह कर दिता जिथे सैकड़े नागरिक फस गए ने। अगली खबर है RBI ने इस सरकारी बैंक ते लगाया 57,50,000 रुपए का जुर्माना, जाणो की होगा तुहाडे डिपोजिट का। तो दोस्तों जनतक खेतर की इंडियन ओवरसीज़ बैंक नूं वड्डा झटका लग्या। दरअसल दे विच भारतीय रिजर्व बैंक ने 57,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि धोखाधड़ी नाल जुड़े कुछ नियमों अते नियमों की पालना ना करन ते इह कार्रवाई की गई है। अगली खबर है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सर्जरी हुई सफल, इस दिन मिलेगी हस्पताल दे विच्चों छुट्टी। तो दोस्तों पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऑपरेशन सफल हो गया। दस दईए कि सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का लंडन के एक हस्पताल च रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन होया। लंडन दे विच उन्हां दे नाल मौजूद परनीत कौर भी सन ते मुताबक कैप्टन की सर्जरी सफल रही है ते उन्हां नूं हस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में भेज दिता गया। इस दे नाल ही डाक्टरां का कहना कि कैप्टन नूं जल्दी ही छुट्टी दे दिती जाएगी। तुहानूं दसीए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले कुछ समय तो इस समस्या के नाल जूझ रहे थे, जिस नूं लैके उन्होंने लंडन दे विच अपना इलाज भी करवाया जिथे उन्हां दा ऑपरेशन सफल रहा। अगली खबर है मामला गैंगस्टर सुखा दुन्नेके दा पासपोर्ट बनाउण वेले जांच ना करन दा, 2 पुलिस मुलाजमां ते मामला दर्ज। तां दोस्तों मोगा पुलिस दे वल्लों दुन्नेके निवासी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुन्नेके दा पासपोर्ट बनाउण दे मामले विच 2 पुलिस मुलाजमां विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। जानकारी दे अनुसार अडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दे वल्लों जिला पुलिस मुखी मोगा नूं 11 जून 2022 नूं शिकायत पत्र भेजा गया सी, जिस विच उन्होंने सरदूल सिंह उर्फ सुखा दुन्नेके तो दोबारा पासपोर्ट बनवाउण दे मामले की जांच करन दे लई कहा सी। जिस ते पुलिस पार्टी वल्लों जांच कीती गई तां पता लग्गिया कि सुखदूल सिंह ने नवंबर 2017 दे विच अपना पासपोर्ट दोबारा बनाउण दे लई फाइल तैयार करवाई सी, जिस नूं जांच दे लई सांझ केंद्र थाणा सदर मोगा दे कोल भेजा गया सी। उस समय सांझ केंद्र दे हौलदार प्रभदयाल तैनात सन, जिन्हां ने सुखदूल सिंह दे पासपोर्ट दी फाइल दी जांच करन समय डंगाई नाल पड़ताल नहीं कीती ते ना ही किसी जिम्मेवार व्यक्ति दे बयान दर्ज कीते अते पुलिस वेरीफिकेशन करके भेज दित्ती। उस समय थाणा सदर मोगा दे मुख मुंशी गुरविंदर सिंह वल्लों सुखदूल सिंह दे खिलाफ दर्ज होए 7 मामलों का जिक्र ना करके 5 मामलों का जिक्र किया गया ते गलत रिपोर्ट जिला पुलिस मुखी मोगा नूं भेज दित्ती गई, जिस उपरंत उसका पासपोर्ट बन के आया ते उह विदेश चला गया। अगली खबर है मंत्री धालीवाल का बयान, 2 तों 1 शमशान घाट करन वाले पिंडां नूं मिलेगी 5 लाख की ग्रांट। तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मन्निया कि बहुते पिंडां दे विच 1 तों वध शमशान घाट ने, तकरीबन 80% तों वध पिंडां दे विच 2 जां इस तों वधेरे शमशान घाट ने। धालीवाल ने जानकारी दित्ती है कि पेंडू विकास योजना दे अनुसार 2 दी थां 1 शमशान घाट बनाउण वाले पिंड नूं 5 लाख रुपए की ग्रांट भी दित्ती जाएगी। अगली खबर है दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 1 अक्तूबर तो ट्रकों की आवाजाही से लाई पाबंदी, जाणो वजह। तो दोस्तों वाहनों के प्रदूषण से रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम चुकया। दिल्ली सरकार ने वाहनों के प्रदूषण को रोकने लिए नवंबर तो फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी विच मध्यम अते भारी माल वाहनों के दाखले ते पाबंदी लगाउण दे आदेश जारी किए ने। एक अधिकारी के अनुसार अजिहे वाहनों के दाखले ते 1 नवंबर 2022 तो 28 फरवरी 2023 तक पाबंदी रहेगी, क्योंकि वाहनों के प्रदूषण कारण सर्दियों के महीनों दौरान हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। अगली खबर है राहुल दे दफ्तर दी भन्न तोड़ मामले दे विच 19 लोग गिरफ्तार। तां दोस्तों कांग्रेस दे सांसद मैंबर राहुल गांधी दे दफ्तर ते हमले दे मामले विच हाकम धिर CPI दे विद्यार्थी जथेबंदी स्टूडेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया दे 19 वर्करां नूं गिरफ्तार किया गया। इस संबंध दे विच अजे होर गिरफ्तारियां होण दी भी संभावना गी। अगली खबर है भारत में कोरोना के 15,940 नवें मामले ते पंजाब दे विच 1 जने दी मौत। तो दोस्तों भारत में एक दिन के अंदर COVID-19 के 15,940 नवे मामले सामने आने के कारण हुण तक करोना पीड़ितों की गिणती बढ़ के 4,33,78,234 हो गई है।
केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों अज जारी किए गए चौ अंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस के करके 20 लोगों की मौत हुई है, जिस तो बाद मरण वाले का जो अंकड़ा है 5,24,974 हो गया है। अगली खबर है, पंजाब दे विचों गैंगस्टरां दा खात्मा करांगे भगवंत मान। तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा दे बजट इजलास दे विच अमन शांति अते खुशहाली दे लई अपनी वचनबद्धता जाहर करदिआं सूबे दे लोकां नूं भरोसा दित्ता है कि पंजाब दे विच अमन शांति विगाड़न वाले बक्से नहीं जाणगे। अगली खबर है, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच मनमोहन मोहणे नूं 14 दिनां दे लई जेल भेजिआ। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले के कतल में शामिल होने के दोष हेठ मानसा जेल तो प्रोडक्शन ब्रांट से लिया गए मनमोहन मोहणा अज रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जिथों उसनों 8 जुलाई तक जुडिशियल रिमांड पर भेज दिता गया। इस तो पहला उसका मानसा के सिविल हस्पताल मैडिकल भी करवाया गया। अगली खबर है, बीबिया कदों मिलने 1,000 रुपए। तो दोस्तों तुहाड़ी जानकारी दे दसीए कि विधानसभा दे विच बाजवा ने कहा कि 18 साल तो वध उम्र दीआं औरतां नूं 1,000 रुपए प्रति महीना देण दी सालाना 12,000 करोड़ रुपए के फंडां दी लोड़ है। कि सरकार बजट दे विच इह राशि जारी कर रही है सिर्फ अकाल दे दौरान कुदर तों विधायक इंद्रजीत कौर ने दुआबे विच नहरी पाणी दे तोट दा मुद्दा भी उठाया सी। अगली खबर है, बेटे नूं मेरे सामने मारिया संजय पोपली दा वड्डा बयान। तो दोस्तों भ्रिष्टाचार के दोषों का सामना कर रहे IAS संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली के सिर में गोली लगन कारण मौत हो गई है, जिस मौके संजय पोपली ने वड्डा बयान दिता है। संजय पोपली नूं मोहाली के सेफ ए सिविल हस्पताल में मैडिकल करवाउण दे लैके गए सी, जिथे पोपली ने कहा कि मेरे बेटे नूं मेरे सामने मारिया गया। हालांकि विजिलेंस ने बयान दिता है कि साढ़े जाण तों बाद कार्तिक पोपली ने खुदकुशी की है। अगली खबर है, मान सरकार ने वाइट पेपर जारी किया है, पंजाब ते 2,63,265 करोड़ रुपए का कर्जा। तो दोस्तों पंजाब के बजट सैशन के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमे ने बजट सैशन के वाइट पेपर जारी किया है। वाइट पेपर के जिक्र किया गया कि पंजाब के सिर उत्ते 2,63,265 करोड़ रुपए का कर्जा गा। पंजाब के सिर सब तो वध करजा 2016-17 के आया जदों अकालिया की सरकार सी। पंजाब के मुलाजमान पेंशनरां दे समेत सेमे तनखा कमीशन के 13,769 करोड़ रुपए के बकाए भी सिर खड़े ने। अगली खबर है, अमरनाथ यात्रा के खाण पीण के नवे नियम जारी, इन्ह चीज़ों पर लगी पाबंदी। तो दोस्तों 2 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर के फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे वर्गिया चीज़ा नहीं मिलनगियां। अजिहियां दर्जना चीज़ा बैन कर दित्तियां गईयां ने। सराइन बोर्ड ने सारिया लंगर कमेटियां नूं पत्र दे विच लिखिया कि यात्रियों नूं हरिया सब्जियां, मक्की की रोटी, सादी दाल, लो फैट दुध ते दही वर्गिया पौष्टिक चीज़ा ही दित्तियां जाण। अगली खबर है, PM मोदी अज जर्मनी अते UAE दौरे के लिए होणगे रवाना। तो दोस्तों तुहानूं दसीए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी अते संयुक्त अरब अमीरात अपने दौरे के दौरान 12 तों वध विश्व नेतावां दे नाल मीटिंग करनगे अते 15 तों वध रझेवियां दे विच शामिल होणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जर्मनी अते UAE की यात्रा दौरान 12 तों वध विश्व नेतावां दे नाल मीटिंगां विच शामिल होणगे, जिन्हां दे विच 15 तों वध प्रोग्रामां दे विच हिस्सा भी लैणगे। अगली खबर है, PRTC घोटाले मामले दे विच मेरे खिलाफ़ सबूत है तो कार्रवाई करे सरकार, राजा बड़िंगा। तो दोस्तों पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने कहा कि जेकर उन्होंने खिलाफ़ किसी भी घोटाले बारे सबूत हैं तो पंजाब सरकार कार्रवाई करे। ट्रांसपोर्टर सनी ढिल्लों ने राजा बड़िंग ते पिछली कांग्रेस सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री होंदे हुए रोडवेज और PRTC दीआं बसां खरीदण विच वड्डे घपले के दोष लगाए ने। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने आम आदमी पार्टी सरकार से निशाना साध्या। बड़िंग के ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते बसों की वाडी को लेकर 30,24,00,000 रुपए के घापले का दोष लग्या गया। पंजाब में सस्ती वाडी होने के बावजूद बड़िंग मंत्री होंदया राजपुर के राजस्थान के जयपुर स्थित एक कंपनी वालों वाडी लगाई गई, इस दे लई ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। इस दे नाल ही राजस्थान में बसा भेजण ते करीब 1.5 करोड़ रुपए का डीजल भी खर्च किया गया। जेकर योग है कि साबका मुख्यमंत्री चन्नी की अगवाई वाली कांग्रेस सरकार विच राजा बड़िंग 3 महीनों तक ट्रांसपोर्ट मंत्री रहा गा, जिस दौरान पंजाब रोडवेज और PRTC के लिए 840 बसा खरीदिया गई सी, जिस की वाडी राजस्थान की कंपनी तो आई है। राजस्थान की कंपनी ने बस की वाडी लई 12 लाख रुपए ले सन। इस तरह कुल 100,80,00,000 रुपए खर्च किए गए सी।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੋਧੀ ਸਮਰਾਟ ਪੰਡਿਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ। ਮਨ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੋਧਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98147 56620।